हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूमर टीवी। आज फिर हम वापस आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। यानी हमने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था, 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, उसका पार्ट टू, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेंटल हैबिट्स को। ये जो है एक मेंटल हैबिट्स, ये हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि बॉडी के बाद अगर आपका माइंड ही जब तक कंट्रोल में ना हो तो कोई भी चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती। सबसे पहले आपको अपने माइंड को क्लियर करना चाहिए, जो कि आपके बेसिक स्ट्रेंथ देने वाला है, जो आपकी बॉडी का सारा कंट्रोल करने वाली चीज़ है। अगर उसको ही आप पॉजिटिव हैबिट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। तो इसके बारे में जो माइकल चैपमैन ने अपनी बुक यानी 50 पॉजिटिव हैबिट्स के अंदर लिखा है, वो पॉइंट मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, ताकि उन पे अमल करके आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकें। बगैर देर किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन है लुकिंग एट नेगेटिविटी। हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो माइकल चैपमैन का मानना ये है कि उसके नेगेटिव पहलू के बजाय उसके पॉजिटिव पहलुओं की तरफ देखा जाए कि इस चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी क्या क्या है। अगर हम हर सिचुएशन को उसके नेगेटिव पॉइंट्स के साथ साथ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे अगर ज़्यादा गौर करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। माइकल चैपमैन सलाह देते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन को देखें तो उसके अंदर के पॉजिटिव पॉइंट्स को ज़रूर चूज़ करके निकालें कि ये पॉजिटिव पॉइंट हैं और इन पर आपको अमल करना है। नंबर टू, थिंकिंग अबाउट सक्सेस। थिंकिंग अबाउट सक्सेस एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको बहुत मदद करेगा पॉजिटिव रहने में। जब आप अपनी सक्सेस के बारे में सोचेंगे कि अगर मैं सक्सेसफुल हुआ इन पॉइंट्स पे अमल करके तो वो सक्सेस कैसी होगी, इस तरह से आप पॉजिटिव रहेंगे कि आप हर सिचुएशन के अंदर अगर अपने सक्सेस के बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर साबित होगा। क्योंकि इमेजिनेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप पॉजिटिव इमेजिनेशन रखो, नेगेटिव नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेम्पलेशन रिलेशन। किसी भी पॉइंट पे आप कदम उठाने से पहले इसके आफ्टर इफेक्ट्स यानी इसके रिजल्ट के बारे में ज़रूर सोचें। इससे आपको पॉजिटिव रहने में काफ़ी मदद मिलेगी। जिस चीज़ का नेगेटिव रिएक्शन आएगा आप उसको करेंगे ही नहीं। अगर आप बगैर सोचे समझे कोई भी कदम उठाएंगे तो उसका एक नेगेटिव साइड आपको ज़्यादा ज़ोर से आके हिट करेगी। इस वजह से कुछ भी करने से पहले ज़रूर सोचें और उसके रिजल्ट्स के बारे में ध्यान रखें। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है नोटिंग योर पॉजिटिविटी, यानी अपने अंदर की पॉजिटिविटी को नोट करें। इवन के नेगेटिव टाइम में भी, जब टाइम बुरा हो, वक्त बुरा हो, तब भी आप किस वक्त पॉजिटिव रहे हैं इस बात को ध्यान में रखें। यह आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा कि आप एक बुरी सिचुएशन में भी काफ़ी पॉजिटिव रहे थे, और ये आपके पॉजिटिव रहने की स्ट्रेंथ को मज़ीद ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे डिटेलिंग द पॉजिटिविटी। इस स्टेप के अंदर चैपमैन ये कहते हैं कि जब किसी सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन में आप हों तो उस सिचुएशन की नेगेटिविटी को नोट ना करें, बल्कि उस टाइम पर आप उसके सोल्यूशन पे फोकस करें, पॉजिटिव रहें और अपने माइंड को क्लियर करके उसके सोल्यूशन पे गौर करें कि अगर ये सिचुएशन है तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। आप अगर उस सिचुएशन के बारे में यानी नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे तो आपको पैनिक करने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सामने कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप नेगेटिविटी से सोच के मज़ीद स्ट्रेस्ड आउट हो के बैठ जिस पर चैपमैन आपको सलाह देते हैं कि आप इस टाइम पे अपने आप को पॉजिटिव रखें और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में ना सोचें। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे चैलेंजिंग अजम्पशन, यानी हम लोगों ने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपनी फॉल्स अजम्पशन की वजह से धोखा ज़रूर खाया है। हम लोगों ने सोचा कुछ होता है और होता कुछ है। इस वक्त फिर आपको चैपमैन सलाह देते हैं कि आप अपनी इन फॉल्स अजम्पशंस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि अपनी सक्सेस पे फोकस करें और अपने इन अजम्पशंस से कुछ सीखें। आप ज़रूर अंदाज़ा लगाएं सिचुएशन का कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर उसका रिज़ल्ट ठीक आता है तो ये आपकी सक्सेस है, और अगर उसका जवाब गलत आता है तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है,
क्योंकि एटलीस्ट आपने ट्राई किया और आपने कुछ नया सीखा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्टिंग योर सक्सेस। जब अपनी सक्सेस को एक्सेप्ट करेंगे तो आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे कि आप बगैर किसी फेलियर के इतनी ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। लेकिन हम इंसान होने के नाते 100% सक्सेस तो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जो सक्सेस के मौके आपको मिलते हैं उनको आप ऑन करें, गले लगाएं और उनको सेलिब्रेट करें, ये चैपमैन का कहना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप उन्होंने कहा है रिव्यूइंग योर फेलियर, यानी अपने फेल होने की वजहों को देखें कि आपके फेल होने के पीछे कॉज क्या था। जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आप क्यों फेल हुए, तब तक आप दोबारा सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि यही वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे आप अमल करके दोबारा सक्सेसफुल हो जाते हैं। चैपमैन ये कहते हैं कि आप जिन पॉइंट्स पे फेल हुए थे उसको गौर से देखें कि वो क्या मकसद था जिसकी वजह से आप फेल हुए, ताकि वो गलतियां आप फ्यूचर में ना करें और आप कामयाब हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है माइंड गेम्स। चैपमैन आपको सलाह देते हैं कि आप माइंड गेम्स खेलें जो कि आपको यंग बनाएगी और आपको एक्टिव रखेंगी। माइंड गेम्स खेलना बहुत ही आसान काम है, ये ऐसे है कि दिन में एक पोइम को याद रखना। माइंड गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग भी होती हैं, इसके साथ साथ ये हमारे ब्रेन को बहुत एक्टिव करती हैं और हमें जो है रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अपनी सक्सेस के बारे में सोचें, हर टाइम पॉजिटिव रहें और सोचें कि इस चीज़ का असर ये होगा और आप इस तरह सक्सेसफुल होंगे तो आप क्या करेंगे। अपनी सक्सेस को हमेशा माइंड में रखें किसी भी चीज़ को करने से पहले। यहाँ पर आते ख़त्म होते हैं मेंटल हैबिट्स के पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट होते हैं इमोशनल हैबिट्स के पॉइंट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।